हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में मैं आपको YouTube में वॉइस स्टूडियो मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूं कि हम किस तरह से YouTube की वॉइस स्टूडियो मोबाइल ऐप को यूज कर सकते हैं। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपका अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल है और आपके पास अपना खुद का पीसी या लैपटॉप नहीं है और आप अपने चैनल को अपने मोबाइल से मैनेज करना चाहते हो, तो भैया ये काम आप बिल्कुल आसान से कर सकते हो, क्योंकि YouTube की वॉइस स्टूडियो मोबाइल ऐप है जिसकी मदद से आप अपने पूरे चैनल का रिव्यू कर सकते हो, उसकी सेटिंग देख सकते हो। अगर उसमें कुछ आप चेंजमेंट करना चाहते हो तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको YouTube की मोबाइल जो वॉइस स्टूडियो की मोबाइल ऐप है उसकी जो बेसिक जानकारी के साथ साथ एडवांस जो सेटिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी लेटेस्ट अपडेट के साथ, जो नए नए फीचर YouTube के द्वारा अपडेट किए गए हैं उन फीचर के साथ इसके अंदर मैं आपको पूरी बातें वो बताने वाला हूं। तो भैया इसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेकर चलता हूं, वहां से आपको डिटेल से वो बताऊंगा। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर जो मैं वॉइस स्टूडियो की सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूं, शायद इससे पहले आपको इन सेटिंग के बारे में नहीं पता होगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की ओर। हेलो फ्रेंड्स, अपन आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको वॉइस स्टूडियो की मोबाइल ऐप है वो ओपन कर लेना है, लेकिन ऐप को ओपन करने से पहले इस ऐप को पहले आपको गूगल प्ले से अपडेट करना है, क्योंकि यदि आप इसे अपडेट नहीं करोगे तो इस ऐप के जो लेटेस्ट फीचर हैं, लेटेस्ट सेटिंग है, वो आपको नहीं दिखाई देंगे। अपडेट करने के बाद जब आप इस ऐप को ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे देखिए, लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पर आपको 3 लाइन दिखाई देगी। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन दिखाई देंगे। डैशबोर्ड है, वीडियो है, प्लेलिस्ट है, कमेंट्स है, एनालिटिक्स है, सबके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन यहां डैशबोर्ड के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जब आप वॉइस स्टूडियो की ऐप को ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट इस ऐप का डैशबोर्ड ही आपको यहां पे दिखाई देगा। और इस डैशबोर्ड पर आप अपने चैनल की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी है, वो ले सकते हैं। जैसे यहां पे सबसे ऊपर फ्रेंड्स आपको यहां पे अपने चैनल का नाम दिखाई देगा और यहां पे अपने सब्सक्राइबर वो दिखाई देंगे। इसके नीचे आप अपने चैनल का जो एनालिटिक्स है वो पिछले 28 दिन का देख सकते हैं कि कितने तो व्यूज अपने चैनल पे आ रहे हैं, कितने वीडियो के ऊपर कितने व्यूज आ रहे हैं, कितना वॉच टाइम आ रहा है, वो एक एक करके आप यहां से पता लगा सकते हो। रेवेन्यू का पता लगा सकते हो, यानी कितनी अर्निंग है वो हुई है, वो आप यहां पे पता लगा सकते हो। जब आप यहां पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहां पे देखिए एक सेक्शन और आपको यहां पे मिल जाता है, लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस, यानी अपने चैनल पे जो आपने हाल ही में वीडियो अपलोड की है उस वीडियो का परफॉर्मेंस आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा कि व्यूज कितने आ रहे हैं, वॉच टाइम कितना आ रहा है, वो आप यहां से देख सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो के और ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हो तो यहां व्यू मोर पे आप क्लिक कर सकते हो और इसकी ज्यादा जानकारी वो ले सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा जब आप नीचे आओगे तो यहां पर भी देखिए एक सेक्शन आपको और मिल जाता है। यहां पर अपने चैनल के जो लेटेस्ट 3 वीडियो हैं वो आपको यहां पे दिखाई देंगे कि आपने लास्ट में 3 वीडियो डाली, वो वीडियो आपको यहां मिल जाती हैं। इसके अलावा इसी के नीचे देखिए इसी सेक्शन में आपको व्यू मोर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने चैनल की सभी वीडियो यहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहां पे देखिए आपको कमेंट सेक्शन है देखने को मिल जाता है। आपकी वीडियो के नीचे जितने भी व्यूअर ने कमेंट्स किया है, जितने भी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, तो कमेंट आपको यहां पे देखने को जाते हैं और यहीं से आप अपने कमेंट्स का जो अपने व्यूअर है उन कमेंट्स का रिप्लाई है वो कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड में इतना ही है और इतनी ही आप बेसिक जानकारी अपने चैनल के डैशबोर्ड के माध्यम से ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपन यहां वीडियो सेक्शन की। ठीक है, जब आप वीडियो सेक्शन पे क्लिक करोगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आपने अपने चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं वो सारे वीडियो आपको यहां पे मिल जाएंगे, एक एक करके आप आसानी से देख सकते हो। यहां से आप अपने वीडियो में अगर कुछ चेंजमेंट करना चाहते हो, यदि उसके टाइटल में एडिट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में चेंजमेंट करना चाहते हो, उसे पब्लिश अनपब्लिश करना चाहते हो, तो सारा काम आप यहीं से कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे अपने वीडियो का टाइटल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहीं से आप अपने वीडियो के व्यूज है वो देख सकते हो कि भैया इस वीडियो पे कितने व्यूज हैं, तो व्यूज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपका चैनल मोनोटाइज है तो आपको यहाँ पता लग जाएगा कि आपकी जो वीडियो है वो मोनोटाइज है या नहीं। यहाँ पे देखिए जो ग्रीन डॉलर है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, ग्रीन डॉलर का जो सिंबल है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहीं से देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पब्लिकली कि आपकी वीडियो अनलिस्ट है, पब्लिक है, लोगों को शो हो रही है या नहीं हो रही, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपके व्यूज भी मिल जाएंगे कि कितने व्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा यहां पे देखिए आपको कमेंट्स है वो भी मिल जाते हैं कि आपकी इस वीडियो में प्रॉपरली कितने कमेंट्स आए हैं, तो कमेंट आपको यहां पे दिखाई देंगे। जैसे इस वीडियो पे फिलहाल 9 कमेंट्स आए हैं तो आपको पता लग जाता है। इसके अलावा इस वीडियो पे कितने लाइक आए हैं, वो लाइक भी आप यहां से पता लगा सकते हो। और दोस्तों यहां एक लेटेस्ट अपडेट आपको बताना चाहूंगा, देखिए फिलहाल यूट्यूब ने अपनी वीडियो के नीचे से डिसलाइक का ऑप्शन हटा दिया है, वो देखने को नहीं मिलेगा। अब वीडियो के नीचे केवल लाइक ही आपको देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब है यहां से अपनी वीडियो की बेसिक जानकारी वो ले सकते हैं। अब
देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर देखिए आप ये यहाँ पे अपलोड्स दिखाई दे रहे हैं, तो फिलहाल अपने अपलोड्स की बात कर रहे हैं। तो अपलोड्स के अंदर देखिए जो भी वीडियो आप मैनुअली अपने चैनल पे अपलोड करते हैं वो सारी वीडियो दिखाई देंगे। और यहाँ पे देखिए लाइव का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो लाइव स्ट्रीम यदि आपने अपने चैनल पर की है और उस समय यदि आपने वीडियो अपलोड की है लाइव स्ट्रीम वाली, तो वीडियो आप इस लाइव वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे अपनी वीडियो बहुत सारी ज्यादा हो गई, यदि किसी वीडियो को ढूंढना है, देखिए दो चार वीडियो है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मान लीजिए हजारों की संख्या में वीडियो हो जाती है अपने चैनल पे, 500 हो जाती है, तो वहां पे वीडियो को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो हमें पता नहीं लग सकता। तो यहां से अपन फिल्टर लगा के अपनी वीडियो को आसानी से वो ढूंढ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे शॉर्ट्स बाई है, विजिबिलिटी है, व्यूज है, यहां से इस आधार पर अपनी वीडियो को फिल्टर लगा के आप ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शॉर्ट बाई पे जब अपन क्लिक करते हैं, तो मान लीजिए आप अपने वीडियो को व्यू के हिसाब से देखना चाहते हो कि सबसे ज्यादा व्यू कौन सी वीडियो पे आ रखा है, तो यहां से बाय डिफॉल्ट फिल्टर है वो आप लगा सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए विजिबिलिटी के आधार पर अगर आप देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहां पे ये गलत की प्रेस हो गई, इसके अलावा मान लीजिए आप विजिबिलिटी के आधार पर देखना चाहते हो कि मेरी वीडियो पब्लिक है, अनपब्लिक है, या अनलिस्टेड है, प्राइवेट है, तो यहां से आप फिल्टर लगा सकते हो, तो यहां से आप आसानी से पता लगा सकते हो। ठीक है, तो यहां पे कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार। चलिए इसके बाद देखिए, यदि आप व्यू के आधार पर अपनी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो यहां पर व्यू का भी फिल्टर आप लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां पर 5000 लिखूं, ठीक है, और यहां पर देखिए एक ऑप्शन आ रखा मोर देन, देखिए यहां पर मोर देन आ रखा, यानी 5000 से अधिक, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर 5000 लिख रहा हूं, लेस देन का मतलब उससे कम। ठीक है, तो यहां पे देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहां पे 5000 मैंने लिख दिया और अप्लाई मैंने यहां से कर दिया। ठीक है, अप्लाई करने के बाद यहां पे देखिए हमारी वीडियो के ऊपर जो 5000 से ज्यादा व्यूज है वो सारी एक एक वीडियो है आपको यहां पे दिखाई देगी, जिन जिन वीडियो पे 5000 जैसा व्यू है, आप जैसा फिल्टर लगाना चाहो वैसे आप लगा सकते हो। चलिए इसके बाद देखिए यहां पर आगे आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपका चैनल मोनेटाइज है तभी यह ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वरना यह ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। तो आप यहां से पता लगा सकते हो कि अपनी जो वीडियो है वो कौन सी तो हमने मोनेटाइज कर रखी है और कौन सी का मोनेटाइज है वो डिसेबल है, तो आपको आसानी से यहां पे पता लग जाएगा। यहां पे टिक कीजिएगा और सेक्शन को आप अप्लाई कीजिएगा, तो यहां से आप आसानी से वो पता लगा सकते हो। तो ये फिल्टर का मामला है, तो इस तरह से आप वीडियो में फिल्टर लगा के अपनी वीडियो को ढूंढ सकते हो। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपकी कोई एक वीडियो है, उस वीडियो में आप चेंजमेंट करना चाहते हो, जैसे उसके टाइटल को चेंज करना चाहते हो, थंबनेल को आप चेंज करना चाहते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन है, टैग है, उसको पब्लिक एंड पब्लिक करना चाहते हो, तो ये काम आप यहीं से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारी एक ये वीडियो है, इसमें अपन कुछ चेंजमेंट करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट इस वीडियो पे आपको यहीं से क्लिक कर देना है। जब आप इस वीडियो पे क्लिक करोगे तो ये जो आपकी वीडियो है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपको यहां पे दिखाई देगा। अब देखिए यहां पे आपको एक सेक्शन मिल जाता है, देखिए यहां से आप देखोगे वीडियो का परफॉर्मेंस, पर्टिकुलर जो वीडियो हमने ओपन की है उसका परफॉर्मेंस आप यहां पे देख सकते हो, भाई कितने तो व्यूज आ रहे हैं, कितना वॉच टाइम आ रहा है, वो सारी चीज देख सकते हो। उस वीडियो के नीचे कितने कमेंट आ रहे हैं वो कमेंट आप देख सकते हो, और यहां से आप रिप्लाई है वो भी आप कर सकते हो। चलिए इस वीडियो में यदि आपको कुछ चेंजमेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी चेंजमेंट करना, तो यहां पर देखिए ऊपर आपको पेंसिल का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, ये पेंसिल का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इस वीडियो के अंदर जो भी आप चेंजमेंट करना चाहते हो, जैसे अगर आप थंबनेल में चेंज करना चाहते हो तो यहां से आप थंबनेल वो भी चेंज कर सकते हो। अगर वीडियो के टाइटल में चेंज करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके वीडियो का टाइटल वो चेंज कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन यदि चेंज करना चाहते हो तो यहां से आप चेंज कर सकते हो। वीडियो को पब्लिक और अनपब्लिक करना चाहते हो तो यहां इस ऑप्शन से भी आप वीडियो को पब्लिक और अनपब्लिक है वो कर सकते हो। देखिए ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, पब्लिक है, अनपब्लिक कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो, अनलिस्टेड है आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, आपको यहां पर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन हो वो यहां पे मिल जाता है। देखिए ये मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां से आप अपनी वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन ऑफ है वो कर सकते हो। देखिए ऑन ऑफ है वो यहां से कर सकते हो, अगर किसी वीडियो का ऑफ है तो ऑन कर सकते हो और ऑन है तो उसे आप ऑफ है वो कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी वीडियो के एड टाइप है वो लगा सकते हो कि आप अपनी वीडियो में किस तरह के एड है वो लगाना चाहते हो। देखिए यहां पर फिलहाल इस वीडियो में मैंने सभी प्रकार के जो एड्स हैं वो लगा रखे हैं, तो आप भी अपने वीडियो के अंदर इस प्रकार के सारे एड है वो लगा लीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बात करते हैं, जब वीडियो स्टार्ट होती है तो वीडियो के स्टार्ट होने में भी ऐड आता है। ठीक है, वीडियो के एंड होने पे भी ऐड आता है, तो देखिए यहां पे सारे ऐड के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहां से आप अपने वीडियो के मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन है वो चेंजमेंट है वो कर सकते हो। और फ्रेंड्स आपको बताऊं कि ये जो मोनेटाइज वाला सेक्शन है आपको तभी दिखाई देगा जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पे नीचे देखिए, अगर आप अपने वीडियो में टैग्स डालना चाहते हो या कोई टैग हटाना चाहते हो तो यहां पे देखिए टैग वाला सेक्शन भी आपको मिल जाता है, यहां से आप अपने वीडियो में टैग है वो लगा सकते हो। चलिए फिलहाल दोस्तों अपन बात कर रहे थे यहां पे वीडियो की बेसिक
इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब अपन बात करते हैं एडवांस सेटिंग के बारे में। चलिए मैं एडवांस सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। जब आप एडवांस सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने वीडियो की जो कैटेगरी है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जो भी आपकी वीडियो की कैटेगरी है इस पर जब आप क्लिक करोगे तो सारी कैटेगरी आपको दिखाई देंगी, तो आप यहाँ कैटेगरी है वो भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से अपने वीडियो का जो लाइसेंस है वो भी आप ऑन ऑफ है वो कर सकते हो, कि आप अपने वीडियो को स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रखना चाहते हो या फिर कॉमन क्रिएटिव एट्रीब्यूट्स में आप रखना चाहते हो, तो यहां से आप इसे चेंज कर सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए आप अपने वीडियो के नीचे कमेंट्स को हाइड करना चाहते हो तो यहां पे आप इसे ऑन ऑफ है वो कर सकते हो। इसके अलावा अपने वीडियो को वेबसाइट पे अगर आप इम्बेड करना चाहते हो तो यहां से आप कर सकते हो, इसका अलाउ है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको अपने वीडियो को डिलीट करना है यूट्यूब से तो यहां से आप अपने वीडियो को डिलीट भी कर सकते हो। तो ये एडवांस सेटिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है जब आप किसी वीडियो पर क्लिक करोगे अगर उसमें आप चेंजमेंट करना चाहते हो तो आप आसानी से यहीं से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको पीसी या लैपटॉप की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए ये तो था वीडियो सेक्शन का भाग, अब बात करते हैं अपन प्लेलिस्ट की। अब देखिए दोस्तों यहां पे यूट्यूब ने प्लेलिस्ट वाइट स्टूडियो के अंदर काफी सारे अपडेट किए हैं। पहले अपन यहां प्लेलिस्ट केवल देख सकते थे, उस प्लेलिस्ट में अपन किसी प्रकार का कोई भी अपडेट है वो नहीं कर सकते, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अब आप अपनी प्लेलिस्ट में भी चेंजमेंट है वो कर सकते हो। जब मान लीजिए अगर आपके चैनल पे पहले से प्लेलिस्ट आपने क्रिएट कर रखी है तो आपको यहां पे सारी जो प्लेलिस्ट है वाइट स्टूडियो में ही दिखाई देंगे। मान लीजिए हमारी ये एक प्लेलिस्ट है, इसको ओपन अपन कर लेते हैं। यहां पे देखिए प्लेलिस्ट का नाम हमने डाल रखा है, वीडियो है वो यहां पे आपको मिल जाते हैं। अब इस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी वीडियो हैं आपको एक एक करके आपको दिखाई देंगे कि कितने वीडियो आपने इस प्लेलिस्ट में आपने डाल रखे हैं। अगर इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको कुछ चेंजमेंट करना फ्रेंड्स, तो देखिए यहां पे आपको ऊपर पेंसिल का ऑप्शन मिल जाता है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यह प्लेलिस्ट है वो ओपन हो जाती है। अब इसमें आप जो कुछ चेंजमेंट करना चाहते हो वो कर सकते हो। देखिए जब हमने एडिट पे क्लिक किया तो यहां से अगर आप अपने प्लेलिस्ट का नाम चेंज करना चाहते हो तो नाम भी चेंज कर सकते हो। प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन अगर डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो। अगर इसको पब्लिक या अनपब्लिक या अनलिस्टेड अगर आप करना चाहते हो तो यहां पे आपको देखिए ऑप्शन मिल जाता है, पब्लिक है, अनलिस्टेड है, प्राइवेट है, आप आसानी से कर सकते हो। और यहां के अगर आपको इस प्लेलिस्ट को डिलीट करना है तो डिलीट का ऑप्शन भी आपको यहां पे मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर अगर आपको कोई वीडियो अपलोड करना है तो इस एडिट पे जब आप क्लिक करोगे तो जो भी आप वीडियो अपलोड करना चाहते हो वो वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हो, आगे आपको ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। तो इस तरह से प्लेलिस्ट के अंदर अपन कोई वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं, ये जो भी हमने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया है वो इसके अंदर डाल भी सकते हैं, वीडियो हटा भी सकते हैं। जब आप पर्टिकुलर किसी प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो सभी प्लेलिस्ट आपको यहां पे दिखाई देगी, हालांकि प्लेलिस्ट पर अपन ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। चलिए इसके बाद फ्रेंड्स अपन यहां पे बात करते हैं देखिए कमेंट सेक्शन का, ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन की बात करें तो आपकी जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो पे आपके व्यूअर ने आपके सब्सक्राइबर ने जो जो कमेंट किए हैं वो सारे कमेंट आपको यहां पे देखने को मिल जाते हैं और हर कमेंट का रिप्लाई है आप यहां से भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये अपना एक कमेंट है, ठीक है, इस कमेंट का हमें रिप्लाई देना है तो देखिए यहां पे आपको कमेंट के रिप्लाई का ऑप्शन आपको यहां पे मिल जाता है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यहां से पता लग सकते हो। अगर इस कमेंट को आप लाइक देना चाहते हो देखिए यहां पे लाइक का ऑप्शन मिल जाता है, पर्टिकुलर इस लाइक वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आप लाइक भी दे सकते हो। अगर आप इसे डिसलाइक करना चाहते हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, या फिर इस कमेंट के दूसरे साथियों ने लाइक और डिसलाइक किया तो वो भी आपको यहां से पता लग सकता है। जैसे यहां पे अपन कमेंट की बात करें तो इस कमेंट का रिप्लाई में एक कमेंट यहां पे आया है, ठीक है, यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर इसको रिप्लाई करना चाहते हो तो डायरेक्टली यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं एक बार क्लिक करता हूं, यहां पर क्लिक कर देता हूं तो यहां से आप इसका रिप्लाई वो कर सकते हैं। अब देखिए इस कमेंट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ये कमेंट पूरा ओपन हो जाएगा, इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर इस कमेंट को आप अपने वीडियो में कमेंट सेक्शन में पिन करना चाहते हो तो यहां पर देखिए थ्री लाइन आपको मिल जाती है, इस थ्री लाइन पर जब आप क्लिक करोगे तो आप इसे पिन भी कर सकते हो, इस कमेंट को आप हटा भी सकते हो, रिपोर्ट भी कर सकते हो, हाइड भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी कमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे जो कमेंट हैं वो पब्लिश हैं, पब्लिक हैं, यानी इन कमेंट्स को सारे व्यूवर दे सकते हैं, सारे सब्सक्राइबर वो दे सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल जाती है, देखिए यहाँ पे ये जो पब्लिक वाला ऑप्शन है यहाँ पे देखिए जब आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है हेल्ड फॉर रिव्यू। हेल्ड फॉर रिव्यू का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई व्यूवर ने आपकी वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया और अपने कमेंट के साथ स्टार लगा दिया या फिर एट द रेट लगा दिया, हैश टैग लगा दी, या अपने चैनल का लिंक डाल दिया, किसी वेबसाइट का लिंक डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, तो वो यूट्यूब है उन कमेंट्स को हेल्ड कर देता है, पब्लिकली उसे नहीं करता है, लोग उसे नहीं देख पाते हैं, सबसे पहले उसको हम देखेंगे, यदि हमें सही लगा तो उसे हम पब्लिक है वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे क्लिक करूं हेल्ड फॉर रिव्यू, और सबसे खास बात यह है कि यूट्यूब का ये लेटेस्ट अपडेट है वाइट स्टूडियो का, पहले ये हेल्ड फॉर रिव्यू का ऑप्शन यहां पे आपको देखने को नहीं मिलता था। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद देखिए हमारे इस चैनल पे अलग अलग वीडियो के नीचे अलग अलग कमेंट आए जो कि हेल्ड है, और फिलहाल ये जो
कमेंट्स हैं केवल मैं देख सकता हूं मेरे चैनल के द्वारा। अगर आप अपने चैनल पे देख रहे हो तो आप देख सकते हो, बाकी पब्लिकली ये जो कमेंट्स है वो सेव नहीं हो रहे हैं। अगर आप मान लीजिए कमेंट बिल्कुल सही है, कोई फ्रॉड कमेंट नहीं है, तो आप इसे पब्लिकली करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए आपको गुड का मार्क मिल जाता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पब्लिकली हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए हेलो वाले जो ये कमेंट्स हैं अगर आप नहीं देखते हो तो 60 दिन के बाद यूट्यूब है इन्हें ऑटोमेटिक वो डिलीट कर देता है। तो यहाँ से अपन पता लगा सकते हैं कि हमारी वीडियो के नीचे कौन कौन से बेकार के कमेंट आए। नॉर्मली बेकार वाले कमेंट ही यहाँ आते हैं, ठीक है। तो ये है अपने कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन के द्वारा अपनी जो भी अपनी ऑडियंस है, किन किन ने अपने को कमेंट्स किया, उनका रिप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये काम है वो कर सकते हैं। चलिए अगले ऑप्शन की बात करते हैं या अगली सेटिंग की बात करते हैं, और अगली सेटिंग का नाम है एनालिटिक्स। देखिए एनालिटिक्स का मतलब ये है कि यहाँ से हम अपने पूरे चैनल का रिव्यू कर सकते हैं कि हमारा जो चैनल है वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कितने व्यूज आ रहे हैं, कितना वॉच टाइम आ रहा है, कितना अर्निंग हो रही है, टॉप वीडियो कौन सी है, हर एक चीज़ है अपने यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर आपको मिल जाएगा ओवरव्यू है, रीच है, एंगेजमेंट है, ऑडियंस है, अर्निंग के हिसाब से अपने वीडियो का परफॉर्मेंस है वो देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बांटे हुए हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे रियल टाइम वीडियो का सेक्शन आपको मिल जाता है कि रियल टाइम में अपनी सबसे टॉप वीडियो है वो कौन सी चल रही है, तो आपको ये पता लग जाता है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको व्यूज के हिसाब से देख सकते हो कि कौन कितने व्यू हैं अपनी वीडियो पे आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वॉच टाइम आप यहाँ से देख सकते हो, सब्सक्राइबर आप यहाँ पे देख सकते हो, अर्निंग है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो कि अपनी टोटल अर्निंग है वो कितनी हो गई। फिलहाल यहाँ पे हमने 28 डे है वो सिलेक्ट कर रखा है, आप डे के हिसाब से भी अलग अलग है वो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ अगले ऑप्शन की, देखिए रिच की, तो देखिए यहाँ पर आप अपने चैनल की पूरा रिव्यू है वो और ज्यादा गहराई से कर सकते हो। कहने का मतलब है देखिए यहां से आप ट्रैफिक सोर्स का पता लगा सकते हो कि अपनी वीडियो के ऊपर कहां कहां से ट्रैफिक आ रहा है। YouTube से आ रहा है, सजेस्ट वीडियो से आ रहा है, ब्राउज फीचर से आ रहा है, हर एक चीज का आप आसानी से पता लगा सकते हो। जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो एक्सटर्नल सोर्स का भी आप पता लगा सकते हो कि अपनी वीडियो पे एक्सटर्नल सोर्स से कहां कहां से व्यूज आ रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप है, गूगल गो से है, गूगल सर्च से कहां कहां से आ रहे हैं, एक चीज आपको देखने को यहां पे मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा यानी कहने का मतलब है ये जो रिच वाला जो ऑप्शन है यहां से अपनी वीडियो का परफॉर्मेंस का पता लगता है कि अपनी वीडियो पे ट्रैफिक कहां से आ रहा है, किधर से आ रहा है, उसका अपन पता लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है यहां पे देखिए ऑडियंस का। दोस्तों ऑडियंस का मतलब ये है कि यहां अपनी जो वीडियो है वो कितने एज के लोग देख रहे हैं, कितने उम्र के लोग देख रहे हैं, कौन से देख रहे हैं, मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं, हर एक चीज है आपको यहां पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे आपको अर्निंग का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए अब दोस्तों यहां पे जो अर्निंग का जो ऑप्शन है आपको तभी मिलेगा जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तभी आपको देखने को मिलेगा। और जब आप अर्निंग पे क्लिक करोगे यहां पे आप अपने चैनल की अर्निंग है वो देख सकते हो, लास्ट 28 दिन की है, जितने दिन के आप देखना चाहते हो उतने दिन के आप देख सकते हो, टाइम चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। एड्स कैसे आ रहे हैं वो एड भी फ्रेंड्स आप यहां से है वो देख सकते हो। यहां पर देखिए दोस्तों एक और ऑप्शन आ रहा है एंगेजमेंट का, ठीक है। देखिए एंगेजमेंट की बात करें तो एक तरह से ये रिच का ही है, अपने ऑडियंस का परफॉर्मेंस ही आपको यहां पर देखने को मिल जाता है कि अपने जो वीडियो आ रहे हैं, जो भी अपने वीडियो अपने अपलोड किए हैं उस पर कितना वॉच टाइम आ रहा है, टोटल वीडियो पे आ रहे हैं यहाँ पे टोटल ओवरऑल करके आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। प्लेलिस्ट पे आपके कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने वॉच टाइम यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट के हिसाब से भी आप सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टॉप कार्ड यानी वीडियो के अंदर अपन आई कार्ड डालते हैं, एंड स्क्रीन डालते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपनी वीडियो के ऊपर आई कार्ड से कितने व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, और एंड स्क्रीन से कितने व्यूज आ रहे हैं, तो सारी चीज आपको यहाँ पे एंगेजमेंट में आपको देखने को मिल जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये तो थी इस ऐप के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अगर आप इस ऐप को ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे तो इस ऐप के बारे में आप और ज्यादा वो गहराई से वो जान पाओगे। इसके अलावा इस ऐप को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और यहां पे खास बात आपको बताऊंगा, देखिए ये जो YouTube है वो लगातार YT स्टूडियो में नए नए जो फीचर है, नए नए जो अपडेट है वो लेकर आ रहा है, तो लगातार आप इस ऐप को अपडेट करते रहेगा और जो नए नए अपडेट है, नए जो फीचर है आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स वापस कैमरे की तरफ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम YouTube की YT स्टूडियो मोबाइल ऐप की मदद से हम हमारे पूरे चैनल का रिव्यू है वो कर सकते हैं, और अगर हमें अपने चैनल में कुछ चेंजमेंट करना है तो वो भी हम ये काम अपनी अंगुलियों से अपने मोबाइल से आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इस YT स्टूडियो मोबाइल ऐप के बारे में और ज्यादा जानना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन वो भी दबा लेना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।